नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरा देश एक अजीब सी आग में झुलस रहा है। आग का गवाह बना हुआ है सेना की नई भर्ती योजना के खिलाफ। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी संपत्ति की बर्बादी हो रही है। एक तांडव सा नजर आ रहा है और विरोध करने का देखिए इस देश में हर एक को हक है, लेकिन विरोध की आड़ में इस समय जो देश में चल रहा है वो किसी को पसंद नहीं होगा। जो अपने देश को प्यार करते हैं उन्हें इस तरीके से विरोध करने का जो तरीका है वो कतई पसंद नहीं आ रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये योजना आपके हितों के खिलाफ है? और अगर ऐसा है तो आप प्रदर्शन करिए, सवाल पूछिए सरकार से। और सवाल पूछने का एक तरीका होता है, आपके सवालों को सत्ता तक पहुंचाने के कई रास्ते हैं। लेकिन ये जो देश है हमारा, ऐसा नहीं है कि इसमें आप भारत माता के जय के नारे तो लगाएं लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं ये कह करके कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। जिधर देखिए उधर ही स्थितियां काफी खराब हो रही हैं। युवक जो है भड़का हुआ है, लेकिन ये जो उनका तरीका है विरोध का ये बहुत गलत है। अगर सरकार ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। आप ये देखिए कि आप किस तरीके से अपना विरोध, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका सही नहीं है जो तरीका आज का युवक अपना रहा है। चलिए देखते हैं कि भारत में पिछले दिनों कब कब रैलियां हुई, क्योंकि जो हमारे जवान हैं, युवा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में चुनाव हुए यूपी में, पंजाब में, लेकिन भर्ती के लिए रैलियां नहीं हुई। और ये जो रैलियां हैं, ये मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में कोरोना की वजह से रैलियां नहीं हुई, लेकिन हाँ काफी जगह पे रैलियां हुई भी हैं। और 2017 और 18 में लगभग 106 रैलियां हुई। उसके अगले साल 18 और 19 में लगभग 92 रैलीज हुई। ये मैं आपको बता रही हूँ जो युवक ये कह रहे हैं कि रैलियां कतई बिल्कुल नहीं हुई। और 19 और 20 में लगभग 95 भर्तियां हुई, ये कोई कम संख्या नहीं है। मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भर्तियां भी कम नहीं हुई है। और 2021 में 47 भर्तियां होती हैं और 22 में आकर के 4 भर्तियां हुई हैं। और एक मैं और चीज आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें से करीब 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, गाड़ियां जला रहे हैं और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो सरकार की स्कीम है अग्निवीर, इसमें कोई लेटर ऑन आपको बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। देखिए, अगर रेगुलर जो सैनिक है उसकी जो पहले महीने की सैलरी है वो करीब 25,000 है, ठीक है, और जो अग्निवीर बनेगा उसकी सैलरी 30,000 रुपये है। लेकिन जो एक सैनिक, जैसे पहले जो सैनिक हुआ करते थे जो अग्निवीर नहीं है, उनकी इन हैंड जो सैलरी है वो आएगी आपकी 21,700 रुपये, और इन जवानों की, इन अग्निवीरों की जो इन हैंड सैलरी है वो 21,000 आएगी। फर्क पे ज्यादा मत जाइएगा, लास्ट में जो मैं आपको फर्क बताऊंगी उसको आप देखिएगा। चौथे साल में इनकी जो मंथली इनकम है वो 40,000 हो जाएगी और इनके हाथ में जो सैलरी आने वाली है इन हैंड सैलरी वो 28,000 रहेगी। अच्छा, नौकरी का जो समय है, जो पहले भर्तियां होती रही हैं उनका 19 साल है, इनका 4 साल है। ये जो स्कीम है
इसके तहत बताया ही गया था। और जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इनकी जो पहले सैनिक थे जिनकी अब तक रैलियों के द्वारा ट्रेनिंग होती रही है, रैलियों की जो भर्ती होती है उसमें जो सिलेक्ट होते हैं, उन युवाओं की 11 महीने की ट्रेनिंग है। इन नए जो अग्निवीर बनाने की योजना है इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है। अच्छा, पेंशन की अगर बात करें तो जो पहले वाले सैनिक हैं, मेन मुद्दे पे आती हूँ मैं, उनको तो आजीवन पेंशन मिलेगी लेकिन इन्हें नहीं मिलेगी। और इंश्योरेंस इनका 20 लाख है और ये जो नए अग्निवीर है इनका इंश्योरेंस जो है 48 लाख के करीब है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत होती है, तमाम तरह के उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, इंश्योरेंस वाली कंपनियां बहुत सारे क्लेम के बीच में अपनी अड़ंगे लगाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सेना की बात है तो उस बात में कोई ऐसे ज़बरदस्ती अड़ंगे भी नहीं लगते हैं। दूसरी बात यह है कि रैंक के हिसाब से जो अगर कोई शहीद होता है तो उनको रैंक के हिसाब से 25 से 45 लाख रुपए तक मिलते हैं। और ये जो ये अग्निवीर हैं इनको 44 लाख रुपए और बची हुई जो इनकी नौकरी है उसका पैसा मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के 11 लाख रुपया और है इनका जो साथ में ऐड ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो जो अग्निवीर हैं उनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, बाकी जो पहले के जो सैनिक रहे हैं उनको 90 छुट्टियां मिलती है। आर्मी कैंटीन की भी सुविधा एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, सैनिकों में भी होता है, ऑफिसर्स में तो होता ही है। इनको कैंटीन की सुविधा आजीवन रहती है जो पहले भर्तियां हो चुकी है, लेकिन अब जो अग्निवीर है इनको केवल नौकरी रहते तक ही इनको ये फैसिलिटी मिलेगी कैंटीन वाली। इनके बच्चों को आर्मी स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फिलहाल अभी इस पर कोई सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। और जो इनका मेडिकल है, आर्मी के बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हैं उसमें फ्री इलाज होता है, और अगर कोई बाहर से भी इलाज कराना चाहे तो उसका भी इलाज किए जाने की सुविधा है। लेकिन इन जो ये अग्निवीर है इनको केवल नौकरी रहते तक ही ये फैसिलिटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पे कि तो फिर ये उसमें क्यों जाए। देखिए, सरकार को ये पता है जिस व्यक्ति को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तैयार करने कर रहे हैं, एक लड़ाका तैयार कर रहे हैं, एक सैनिक तैयार कर रहे हैं, तो उस पर ये सवाल कई बार मेरे दिमाग में भी आया और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सैनिकों को तैयार करके सरकार जो है ऐसे ही छोड़ देगी या हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उनको ऐसे ही छोड़ देगा। उन युवाओं को कहीं ना कहीं उनको फोर्सेस में एडजस्ट जरूर किया जाएगा। एडजस्ट शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरीके से उनकी एडजस्टमेंट ज़रूर होगी। देखिए, जिस देश में जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनसे सेवाएं ली जा रही हैं, तो ये जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है इनसे भी काम क्यों नहीं सरकार करवाएगी। युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सरकार ने, हमारे रक्षा मंत्रालय ने हमारे लिए क्या दिया है और किस तरीके से वो इस पर रिएक्ट करें। रिएक्ट करना ठीक है लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है उनका। वो अपनी बात कहें अगर उनको लग रहा है कि इसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो यकीन मानिए आप अपनी बात रखने का तरीका ज़रूर जानिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गाड़ियाँ चलाएं, हर बार आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाएं। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमसे ही टैक्स लेकर दोबारा से उन रूट्स पे गाड़ियाँ चलाएगी और उन बसों को बनाएगी। ये जो सरकारी संपत्तियाँ इस समय नष्ट की जा रही हैं, तमाम बिहार के जिलों में इस समय इंटरनेट बंद है, तो ये असुविधा किसे हो रही है आप सोचिए। ये असुविधा उन मुट्ठी भर लोगों को नहीं हो रही है जो
इस आगजनी और प्रदर्शन में शामिल हैं। असुविधा तो पूरे स्टेट को हो रही है ना, इसी तरीके से हरियाणा में भी पिछले 2 दिनों में इंटरनेट की सेवा बंद रही। जहां जहां ज्यादा घटनाएं उग्र हो रही हैं उन प्रदेशों में इंटरनेट की सुविधाएं बंद की जा रही हैं। तो दोस्तों ये सोचने की बात है कि आप किस तरीके से सरकार की इस योजना अग्निपथ योजना को लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इसमें कहीं कोई लकुना है, कुछ चीज़ों पे आर्मी पर्सन्स भी ये सोच रहे हैं, तो यकीनन उनको बदलाव किया जाएगा। फिलहाल ये एक ऑप्शन सामने रखा है, इसका आप इसमें भाग लेकर के तो देखिए आप। फिलहाल इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगी किसी और कंटेंट के साथ। और दोस्तों जो यूथ है कतई वो बिल्कुल भी इस तरीके के प्रदर्शन ना करें जिससे देश को क्या, जो आम नागरिक हैं उनको भी नुकसान हो। ये जो संपत्ति जल रही है ये सरकार हमारे से ही पैसा लेकर के दोबारा से भरपाई करेगी इसकी। तो आप ये रास्ता छोड़िए और इस स्कीम को अच्छे से समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।